नमस्कार, मेरा नाम दिलीप कुमार, मैं पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में LLM का छात्र हूं। आज मैं आपसे RTI के बारे में कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से चर्चा करने जा रहा हूं। RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम को 2005 में लागू किया गया, जिसके तहत देश का कोई भी नागरिक सरकार के सभी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर व्यवस्थाओं से तात्पर्य है कि किसी भी सरकारी फाइल का निरीक्षण, लोक निर्माण कार्य की जानकारी, सरकार की तरफ से हुए भ्रष्टाचार का ब्यौरा, योजनाओं के प्रस्तावित बजट, आवंटित धनराशि इत्यादि की जानकारी। आज की इस चर्चा में हम यही साझा करेंगे कि कैसे सरकारी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यह भी साझा करेंगे कि सूचना कैसे मिलेगी और न मिलने पर क्या किया जाए। RTI सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यह कानून 2005 में लागू किया गया था, जिसके RTI एप्लीकेशन फॉर्म के तहत आवेदन करना होगा। इसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन के हर कार्यालय में नियुक्त किए गए लोक सूचना अधिकारी को आपको आपके द्वारा भरे गए RTI आवेदन फॉर्म का जवाब देना होगा। आम नागरिक RTI कानून के तहत कौन सी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं? किसी भी सरकारी संस्था के फाइल या दस्तावेज का ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं, लोक निर्माण कार्य का विवरण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि निर्माण के लिए आवंटित धनराशि, प्रस्तावित बजट किसके तहत कार्य प्रगति पर है, भ्रष्टाचार का ब्यौरा, सरकारी विभाग में उपलब्ध सभी तत्संबंधित रिपोर्ट। RTI के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के नियम। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देश के आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए कुछ नियम हैं, जो इस प्रकार हैं। RTI सूचना अधिकार का फायदा केवल भारतीय नागरिक ही उठा सकते हैं। भारतीय नागरिक सरकारी सूचना या वीडियो, ऑडियो, पत्र, डिस्क, टेप आदि के रूप में मांग सकती है। सरकारी सूचना की जानकारी किसी भी आम आदमी को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। हर सरकारी महकमे में एक या दो जन सूचना अधिकारी का होना जरूरी है, जो कि आम नागरिक द्वारा पूछे गए सूचनाओं की जानकारी मुहैया करा सके। जितने समय तक सूचना को सरकारी विभाग में रखे जाने का समय है, उतना ही समय तक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। RTI में इंफॉर्मेशन लेने के लिए ₹10 फीस रखी गई है। यदि आम आदमी BPL कार्ड धारक है तो वह फ्री में RTI एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। RTI सूचना को आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है। RTI के अधीन आने वाले सभी विभागों का सूचना प्राप्त कर सकते हैं। RTI के अंतर्गत कौन सी जानकारी नहीं ली जा सकती है? कोई भी ऐसी जानकारी जो कि देश की सुरक्षा से संबंधित हो, उसकी सूचना नहीं प्राप्त की जा सकती है। अन्य देशों के साथ, भारत के साथ जो जुड़े मामले हैं, वो भी जानकारी नहीं ले सकते हैं। प्राइवेट या निजी संस्थानों की जानकारी भी RTI के तहत नहीं ले सकते हैं। RTI सूचना का अधिकार अधिनियम का फायदा एवं लाभ। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू होने पर आम नागरिक को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। RTI नियम के तहत प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाता है, जिसके तहत किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देश में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है। प्रत्येक विभाग को लोक सूचना के अंतर्गत आती है को प्राप्त करने के लिए आम नागरिक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों माध्यमों का इस्तेमाल कर सकता है। सूचना का अधिकार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। ऑनलाइन RTI सूचना का अधिकार का आवेदन फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा। चरण प्रथम, आवेदक को RTI एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। आवेदक अपने मोबाइल या कंप्यूटर दोनों की मदद से सूचना का अधिकार आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। चरण द्वितीय, इसके बाद आवेदक RTI ऑनलाइन के होम पेज पर क्लिक हेयर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट को चुनना होगा। चरण तृतीय, इसके बाद सभी इंफॉर्मेशन को पढ़कर सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट करने के बाद RTI आवेदन पत्र फॉर्म खुलकर आ जाएगा। चरण चतुर्थ, अब आवेदक को RTI एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भरना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट कर देना होगा। इस प्रकार सूचना का अधिकार आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन सूचना का अधिकार RTI के लिए आवेदन कैसे करें? सबसे पहले आवेदक को प्रथम तहसील जाकर RTI एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त करना होगा। आवेदक को सबसे पहले RTI आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को भरना होगा। उसके बाद आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेज को भी RTI फॉर्म के साथ जोड़ना होगा। इसके बाद किसी भी विभाग से जानकारी चाहिए, वहां फॉर्म को ले जाकर सबमिट करना होगा। धन्यवाद।